नमस्कार, मैं हूं फातिमा पटवा और आप देख रहे हैं उदयपुर टाइम्स। आपका स्वागत है पीपल ऑफ उदयपुर सेगमेंट में। वुमेन एम्पावरमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आजकल वुमेन्स हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं। वैसे ही आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है सीमा सामर और वो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है और आज वो अपनी खुद की एक वेबसाइट चलाती है। नमस्ते, मैं सीमा सामर हूँ, एक वुमेन एंटरप्रेनर और मैं अपनी खुद की वेबसाइट अपनाघरमार्ट.com वो चलाती हूँ। आपका मेन गोल था आरबीआई में जॉब करना, बट आपकी उसमें सिलेक्शन भी हो गया था और आपकी पोस्टिंग थी मुंबई। उसके बाद आपने क्या करने का सोचा? देखिए, मेरे फादर तो हमेशा मुझे एनकरेज करते ही थे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देने के लिए। ऐसे करते करते मेरा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में सिलेक्शन हो गया था एंड लकीली पोस्टिंग भी उदयपुर ही हुई थी, तो मैंने वहां पे जॉब करी। एंड उसके बाद मेरी शादी भी उदयपुर ही हो गई, मेरी दो डॉटर्स हो गई थी उनके बाद। एंड ऐसे करते करते मेरे को 9 साल हो गए थे जॉब में, बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे काफी समय से लग रहा था कि मैं अपने बच्चों पे जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑफिस, सोशल ऑब्लिगेशन, बच्चे उसके पीछे नेग्लेक्ट हो रहे थे दोनों डॉटर्स। तो एक दिन अचानक मैं अपने ऑफिस पहुंची और बिना किसी को इन्फॉर्म किए रेजिग्नेशन लेटर अपने मैनेजर को दे दिया। वो काफी शॉक हुए कि अरे 9 साल की जॉब ही तो हुई है और आप छोड़ के जा रही हो, ऐसे मत करो, ये मत करो। बट मैंने तो ठान ली थी कि मुझे अपने जिंदगी में अपने बच्चों को हर जगह एक्सेल कराना है। तो इसके बदौलत मैं इतनी खुश हूं कि मैं एक होम मेकर बनी उस समय एंड अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया, उन्होंने हमेशा पढ़ाई में एक्सेल किया, हर जगह स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्टेट लेवल पे भी खेलने गई दोनों, एंड साथ में स्टूडेंट काउंसिल में भी अपने अपने समय में दोनों हेड गर्ल्स बनी। एंड उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन, बेस्ट इंडिया के कॉलेज, जो इकोनॉमिक्स के बेस्ट कॉलेजेस हैं, वहां से उन्होंने एजुकेशन करी और आज एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया में बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज में पोस्टेड है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे को काफी समय से एनकरेज कर रहे थे कि कुछ तुम बिजनेस में, मेरे बिल्डिंग मटेरियल्स में आ जाओ, बट मेरा पहले टारगेट था कि जब तक बच्चे अपनी एजुकेशन लेवल के लिए बाहर नहीं जाएंगे मैं कुछ भी अपना काम स्टार्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही था। तब वो बाहर चले गए, फिर एक दिन अचानक मेरे घर में पड़े हुए थे बर्तन, तो मैंने देखा कि सेल का लोगो लगा हुआ है। कहा ये इतने अच्छे बर्तन है, मार्केट में कहीं भी नजर नहीं आते और ये आज भी वैसे के वैसे हैं जो 30 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी शादी में गिफ्ट किए थे। तो इसके लिए मैंने काफी स्टडी किया इधर उधर, फिर पता चला कि मार्केटिंग हेड से मिली जाके पर्सनली और उनको अपने पैशन के बारे में बताया कि मुझे इस प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया फेमस करना है, मुझे इसमें काम करना है। तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, आउट ऑफ द वे जाके एक LOI इश्यू करी उन्होंने एंड मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई। तो ऐसे करके मेरा काम स्टार्ट हुआ था, बट फिर स्टॉक भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिल गई। अब मुझे लगा कि अब मैं कैसे बेचूं, तो पहले तो मैं यहाँ के लोकल शॉपकीपर्स के पास गई, उनसे मैंने बात करी, तो पता चला कि वो लोग बोलते कि इतने कम मार्जिन में तो हम काम नहीं करेंगे। देन फिर वो बोले कि आप क्रेडिट पे दो। अब मुझे लगा कि यार मैं अकेली हूं, बिजनेस करने के लिए स्टार्ट किया है, लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई चीज करी खुद से, अब पेमेंट भी मैं उनसे कलेक्ट करने जाऊं और ये सब तो पॉसिबल था नहीं मेरे लिए। तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं इसको ऑनलाइन बेचती हूं ताकि ऑल ओवर द कंट्री के लोगों को पता पड़े कि भाई सेल कंपनी भी आज भी बर्तन इतने बढ़िया बेचती है। तो मैंने पहले तो इंडिया मार्ट और जस्ट डायल पे लिस्ट किए प्रोडक्ट्स, वहां से लीड्स आने लग गई। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम वगैरह, स्नैपडील, उस पर मुझे बेचना चाहिए, तो वहां मैंने लिस्ट किया। कुछ समय चलता रहा वहां पे, बट उससे भी मैं इतनी सेटिस्फाइड तो नहीं थी। एक्चुअली इन वेबसाइट्स पे बेचना में आपको या तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत हो आपके, तो आई थिंक आप सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके कमीशन, डिलीवरी चार्जेस, फिर जो ऑर्डर्स रिटर्न होते थे उनके चार्जेस, उनके वापस से कैंसिलेशन डिलीवरी चार्जेस, एंड देन आप वैसे भी बर्तन है तो आप इसको नॉर्मल तो पैक नहीं करके भेज सकते हो, उसको आपको अच्छे से पैक करना पड़ता है एंड
मैं हमेशा अपने प्रोडक्ट्स का ये ध्यान रखती हूँ कि जब भी वो ऑनलाइन जाए तो एज अ बेबी जाए, एक बेबी को हम कैसे अच्छे से संभाल के किसी को, अगर पैशन है इन प्रोडक्ट्स के लिए, सेल सेलम के लिए, तो ये एक मेरे को कह सकते हो कि ये मेरा एक और बेबी है, मेरी दो डॉटर्स के बाद मेरा तीसरा बच्चा है ये मेरा। लोग अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो क्या अपन लोग कुछ इसके लिए कोशिश नहीं कर सकते क्या? तो हमने एक आईटी टीम अपॉइंट की, उनसे वेबसाइट बनवाई कि जो हमको चाहिए, तो एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनवाया, उसका नाम है माई सोल। तो उससे फिर मेरी एक वेबसाइट है अपनाघरmart.com, उसका जन्म हुआ। उस पर मैंने अपने बर्तन बेचने चालू किए। फिर शुरू में मैं खुद ही जो लीड्स आती थी इंडिया मार्ट जस्ट डायल से, मैं खुद ही कस्टमर से बात करती थी, उनको समझाती थी अच्छे से कि ये ऐसे बर्तन है कि आपकी दादी खरीद लेगी तो पड़पोते तक की जनरेशन इसको यूज करेगी, इन बर्तनों को कुछ नहीं होता है। लोग बड़े खुश होते थे इन बातों को सुन के कि हाँ ये बर्तन वाकई में कोई चीज है, और काफी अपना घर मार्ट को रिकॉग्नाइजेशन मिलने लग गई। एक्चुअली ये बर्तन जो है ये एक तो 304 ग्रेड के बने हुए हैं। दो ग्रेड्स होती है बर्तनों में जनरली जो इंडिया में मिलती है, एक होती है 202 और एक होती है 304 ग्रेड। तो इन बर्तनों का ऐसा होता है कि इनमें कभी भी कहीं भी क्रैक नहीं होता है, रस्ट नहीं लगते। ये आपके बर्तन ऐसे कैसे सालों साल चलते हैं? ये काम करते करते मेरे को काफी रिकॉग्निशन मिली, पूरे पैन इंडिया में पता पड़ गया कि हाँ अपनाघरmart.com ही है जो सेल सेलम के बर्तन बेचता है। तो ऐसे करते करते दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस से एक दिन मेरे पास फोन आया कि IITF में वो लोग स्टॉल लगाते हैं जहां पे वो लोग बर्तन भी बेचते हैं और अपने जो TMT वगैरह चैनल्स जो सेल कंपनी के हैं उनके भी एडवर्टीजमेंट करते हैं वो लोग। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि 15 दिन आप मैडम यहाँ आइए और हमारा स्टॉल संभाल के और ये बर्तन यहाँ पे बेचिए। बड़ी एक्साइटेड थी मैं कि इतना बड़ा ऑफर मिला, क्योंकि वहां पे तो काफी देश विदेश से अनेक प्रकार के लोगों से मेरी मुलाकात होगी, ये सब सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहां गई और वहां पे हम लोगों ने काफी, हमको काफी अच्छा रिस्पांस मिला। और सबसे बड़ी बात तो वहां पे ये हुई कि सेल की जो चेयरमैन है श्रीमती सोमा मॉडल, उन्होंने मेरे काम को बहुत सराहा। बड़ी खुश हुई कि आपका जो पैशन है वो देख के, जिस प्रकार से आप काम कर रही है, सेल के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है, वो बहुत ही अच्छी तरीका है। आपको इतना फेम मिलने के बाद आपके बिजनेस को लेकर आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, उसके बारे में हमें बताइए। अब चूंकि खुद की मेरी वेबसाइट है बनी हुई, राइट, तो मैंने इसके साथ अभी सेल सेलम के साथ अभी और भी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, सेंचुरी के टिश्यूज, फूड रैपिंग पेपर एंड साथ में हाई कर्क्यूमिन रेशियो वाली हल्दी भी, जो मेडिसिनल वैल्यू होती है जिसमें काफी, वह भी ऐड की है। एंड अभी मेरे को और भी, मुझे अभी और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं जिनके लिए मैं कंपनियों से बात कर रही हूँ। साथ ही जब इस वेबसाइट को सफलता प्राप्त हो गई, तब फिर मैंने अपने हस्बैंड से, जो बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, उनसे पूछा कि क्यों नहीं हम बिल्डिंग मटेरियल्स को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर हमने जो हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है माई सोल, उसके ऊपर हमने अपना घर बनाओ .in वेबसाइट बनाई है जो बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए है सिर्फ एक्सक्लूसिवली, जहां पे आप हर प्रोडक्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं, सबकी रेट्स। आप मान लीजिए कोई TMT लेते हैं तो TMT की रेट्स भी आप वहां जाके कंपेयर कर सकते हैं, आप वहां पे अपना कोटेशन बना सकते हैं। तो उसमें हमने ये सब सुविधा दी है। और इसके साथ ही अभी हम लोगों का आगे और विचार हो रहा है मेरा कि एक केवल सेल सेलम प्रोडक्ट्स के लिए एक्सक्लूसिव वेबसाइट बनाएं जिसका नाम है salesalemonline.com। तो उस पर हम लोगों ने काम चालू कर दिया है, डोमेन भी ले लिया है हमने, एंड साथ ही उदयपुर वासियों के लिए एक udaipurmart.com, उस पर भी काम चल रहा है हमारा।